माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नई टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे, कमेंट में बार बार लिख रहे थे कि सर आप नाउन पढ़ाए उसके बाद अपना वीडियो रोक दिए हैं, क्यों रोक दिए हैं? तो मैंने कहा कि अभी मैथ का आपका जा रहा है मैटर, इसलिए मैंने रोक दिया था। लेकिन अब आपको रोज रेगुलर वीडियो मिलेगा। अब मैं आज आपको जेंडर का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जेंडर के बाद फिर नंबर का टॉपिक जाएगा। ये आपका बेसिक चीजें हैं जो आपके एग्जाम में बेसिक तो है, लेकिन हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे जेंडर होता है क्या है। जेंडर को लेके आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर जेंडर है क्या? तो मैं आपको इजी से इजी वर्ड्स में समझाने जा रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है, कोई यहां दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जेंडर है क्या? जेंडर शब्द आप बार बार किसी को बोलते हैं, जेंडर है, ये जेंडर है, वो जेंडर है, तो कौन ये जेंडर है क्या? देखिए, जेंडर की जो हिंदी होती है उसको लिंग बोलते हैं। तो जेंडर को जो हम डिफाइन करते हैं, या जेंडर का जो आपका टॉपिक बना हुआ है किसी भी भाषा में, तो जेंडर जो होता है वो नाउन होता है। पहले आप तो ये समझ लीजिए, जेंडर जो होगा वो नाउन होगा। नाउन, नाउन को जो हम बोलते हैं, किसी भी नाउन को ही जेंडर बोलते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति, मैंने कहा ऐसे आप किसी को कहते हैं रमेश, किसी का नाम है, नाम से पता चल रहा है कि वह आदमी है, मींस मेल है, तो इसलिए आप उसको बोलते हैं कि वो जेंडर कौन सा जेंडर है, मेल है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है। तो इस तरह से चीजें, किसी जानवर को आप पा गए तो जानवर का भी जेंडर होगा। हर चीज का जेंडर होता है। तो जेंडर हर चीज का होता है। जो चीजें निर्जीव होती है उनको किस में रखा गया है, और न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जेंडर जो होता है वो नाउन होता है, नाउन ही जेंडर होता है। अब हम बात करेंगे जेंडर को, एक जरा सा देख लीजिए जेंडर को हम कैसे डिनोट करते हैं, जेंडर में क्या आता है। देखिए, जेंडर में नाउन क्या होगा? नाउन या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। जेंडर क्या होगा? इट डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स। इसमें क्या पता चलता है? इसमें पता चलता है कि सामने वाला जो नाउन है, सामने वाला जो पर्सन है, वो मेल है या तो फीमेल है, नर है या तो मादा है। ऐसे हमने यहां पर लिखा है मैन, तो मैन का मतलब क्या होता है? आदमी होता है, यानी ये मेल है। और यहां देखिए फीमेल, यानी यहां क्या लिखा गया? वुमेन, औरत। औरत क्या होगा? फीमेल सेक्स होगा, ये फीमेल होगी। आगे देखिए किंग लिखा गया है, तो किंग क्या होगा? ये मेल होगा। और लास्ट में हमने क्या लिखा है? क्वीन लिखा है, तो क्वीन क्या होगा? फीमेल होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहली चीज जान लेना है, कभी भी परीक्षा, कई बार परीक्षाओं में मैंने देखा है कि दिया है काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के कितने प्रकार होते हैं। तो जेंडर के आपको पता होना चाहिए, इस बात को आपको नोट कर लेना है, भूलना नहीं है। काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर चार प्रकार के होते हैं। उनके काइंड्स कितने होते हैं? चार होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जेंडर का। पहला जेंडर आपका क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। देखिए क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स मेल सेक्स, यानी ये जो आपका मैस्कुलिन जेंडर है ये किसका बोध कराता है? ये नर जाति का बोध कराता है, जिसको हम हिंदी में पुलिंग बोलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुलिंग बोलते हैं। ये जो है नर जाति का बोध कराता है, पुरुष जाति का बोध कराता है। अब इसमें जरा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम चीजों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है बॉय, तो बॉय कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है। इसी तरह से डॉग है, ड्रोन है और विजार्ड। देखिए मैं आपको बता दूं कि ड्रोन शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड पूछा गया था, ये सुपर टेट के एग्जाम में ये वर्ड आया हुआ है। ड्रोन की हिंदी क्या होती है? मधुमक्खी होती है। और ये मधुमक्खी कौन से आएगा? देखिए ये आपका मैस्कुलिन है। अगर इसी के हम फेमिनिन जेंडर की बात कर लें, इसके फेमिनिन की बात करें तो बी होगा। बी जो है ये आपका फेमिनिन जेंडर है, और ये इसका देखिए ये नर है और ये मादा है। ये परीक्षा में आया हुआ है, सुपर टेट के एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा था। आगे विजार्ड है, वर्ड जान रहे हैं जादूगर, ये सारे क्या है आपके? ये मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड। ऐसे वर्ड बहुत सारे आपको मिलेंगे, जिसको आपको आगे एक नोट्स देंगे, एक चीजें आपको देंगे, वहां पर लिस्ट बना के देंगे, मेल और फीमेल जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आपको बहुत ही परीक्षाओं में हेल्पफुल साबित होगा। आगे चलते हैं, दूसरे जेंडर की बात करते हैं। ये देखिए फेमिनिन जेंडर है, इसकी हिंदी होती है स्त्रीलिंग। तो ये किसको डिनोट करता है? इट डिनोट्स फीमेल सेक्स,
यानी ये आपका जो है मादा मादा लिंग का बोध कराता है, स्त्री लिंग का बोध कराता है। और हम बात करते हैं एग्जांपल की, देखिए हमने यहाँ पर कुछ भी एग्जांपल नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, हम एग्जांपल यहाँ लिखते रहे हैं। जैसे यहाँ बॉय लिखा गया है, तो बॉय का अगर हम फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो गर्ल होगा, जिससे गर्ल होगा। गर्ल किसका बोध करा रहा है? फेमिनिन जेंडर का, स्त्री का बोध करा रहा है, मादा का बोध करा रहा है। ऐसे हम डॉग की बात करें तो डॉग का अगर हम फेमिनिन बनाएंगे तो बिच होगा। बिच का मतलब तो आप जानते हैं कुतिया होता है। ऐसे आगे पढ़ेंगे ड्रोन, ड्रोन क्या है, ये मैस्कुलिन है, इसका अगर हम फेमिनिन बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अभी मैंने बी बताया है, ये बी है। और लास्ट में लिखा गया है विजार्ड, विजार्ड का क्या होगा, आपको जो है फेमिनिन जेंडर बता रहा था, तो फेमिनिन जेंडर में आपने बातों को देखा जो है गर्ल बीच और बी, मैंने जैसे कि बताया कि बॉय का जो है गर्ल होगा फेमिनिन जेंडर, डॉग का क्या होगा बीच होगा, कुतिया होगा। ये ड्रोन है, ड्रोन माने मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है ये मेल में आएगा, मैस्कुलिन में आएगा, और इसका फेमिनिन क्या होगा, बी होगा। और लास्ट में मैंने विजार्ड लिखा है जादूगर, तो जादूगर का जो होगा वो जादूगर नहीं होगा, इसको हम विच बोलते हैं, डब्ल्यू आई टी सी एच होता है। तो इस तरह से आपने मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को क्लियर कर लिया, यानी आपकी बात आगे चलेंगे, अगले जेंडर की हम बात करेंगे, यहाँ पर आपकी चीजें क्लियर है। तो कॉमन जेंडर की बात करें, कॉमन जेंडर को हिंदी में उभयलिंग बोला जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि उभयलिंग को कैसे आप क्लियर करेंगे। देखिए इट डिनोट्स बोथ जेंडर, ये दोनों जेंडर का बोध कराएगा, बट इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी, ये किसी, ये दोनों का बोध कराएगा लेकिन क्लियर किसी को नहीं करेगा कि लड़का है कि लड़की है, बोध तो दोनों का कराएगा। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं टीचर हूं, तो मैं टीचर हूं, आपको पता है कि नहीं मैं मेल हूं, लेकिन टीचर शब्द तो लड़की के लिए भी आ सकता है और लड़के के लिए भी आ सकता है। तो यहां कहने का मतलब है कॉमन जेंडर ऐसे नाउन का बोध कराएगा इसमें दोनों लोग आएंगे, दोनों लोग आएंगे मतलब लड़का के लिए भी होगा, लड़की के लिए भी होगा, और नर के लिए भी होगा, मादा के लिए भी होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को कंफर्म नहीं करेगा, किसी को स्पेसिफाई नहीं करेगा, किसी को नहीं बताएगा। आगे बात करते हैं, जैसे टीचर शब्द है, टीचर का मतलब क्या होता है, अध्यापक या अध्यापिका। तो आगे बढ़ते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। डॉक्टर शब्द मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। ऐसे फ्रेंड भी है और आपका चाइल्ड भी है, स्टूडेंट भी है, सर्वेंट भी है। तो इस तरह से आपका कॉमन जेंडर की सारी चीजें आपकी एग्जाम्पल के हिसाब से आपका क्लियर हो गया। अब हम लास्ट जेंडर की बात करेंगे, अंतिम जेंडर है। और मैंने आपको पहले शब्द बताया था नाउन, और नाउन में मैंने मेल और फीमेल बोला था, लेकिन यहां पर देखिए न तो मेल है और न तो फीमेल है, लेकिन हमने बताया था जेंडर क्या होता है, वो नाउन होता है। हाँ नाउन ही है, नाउन ही है, लेकिन यहां पर जो है ना तो मेल मिलेगा। देखिए यहां पर मैंने आपको मेल और फीमेल सेक्स की बात किया है, तो यहां मेल और फीमेल सेक्स की बात हम नहीं करेंगे। न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग, ये किसका बोध कराता है, इट डिनोट्स लाइफलेस थिंग, ये निर्जीव चीजों का बोध कराता है, जिसमें जान नहीं होता है, उन चीजों का बोध कराता है। जैसे सामने व्हाइट बोर्ड है, या कोई भी चीज आप ले लीजिए, बुक ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, जो भी निर्जीव चीजें आएंगा वो सब किस में आएंगी, वो सब की सब चीजें न्यूट्रल जेंडर में आएंगी, जैसे टेबल, चेयर, बुक, हाउस। तो मैं आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आज की जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, जेंडर पढ़ाया है, बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जिसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको मैं आगे की वीडियो में, जो कल मेरी वीडियो बनेगी, उसमें मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, चीजों को समझा दूंगा, जो आगे परीक्षाओं में मिलेगा। आगे फिर मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिलूंगा।